फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कह दिया कि ताजमहल गद्दारों द्वारा बनवाई गई इमारत है। बस फिर क्या था, बवाल ही मच गया। और यह हंगामा शांत भी नहीं हुआ था कि अयोध्या में दिवाली पर भव्य रामलीला का आयोजन हो गया। आखिर क्या है अयोध्या, दिवाली, रामलीला, ताजमहल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समीकरणों की कहानी, और इसमें कहां फिट होते हैं संगीत सोम? आइए बात शुरू करते हैं ताजमहल से ही। आप जरा गौर कीजिएगा, इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। लेकिन मुमताज का इंतकाल 1631 में हुआ। अब सवाल तो यह भी उठता है कि कैसे उन्हें 1631 में ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। इतिहास से एक झरोका यहाँ भी खुला है। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी पुस्तक में यह लिखा है कि आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है, जो आज भी ज्यों की त्यों है। बाद में उसके नाम से आगरे के ताजमहल में एक और कब्र बनी। ओक की किताब कहती है कि शाहजहां ने ताजमहल में अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। यदि शाहजहां चकाचौंध कर देने वाले ताजमहल का वास्तव में निर्माता है, तो इतिहास में ताजमहल में मुमताज को किस दिन दफनाया गया उसका अवश्य उल्लेख। अब सवाल यह है कि यह सत्य या अर्धसत्य, इस पर बहस दशकों से चल रही है। कई दूसरे इतिहासकार भी हैं जो कुछ और ही कहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप एक बार मुमताज को जरूर जानिए। इतिहास बताता है कि शाहजहां ने कुल 7 शादियां की। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी चौथी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। मुमताज की मौत 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने उसकी बहन से शादी कर ली थी। वैसे कहा जाता है कि शाहजहां को बस 7 ही बेगम नहीं थी, बल्कि और भी कई थी। योगी की भाषा को समझिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी कहते हैं, हमें इसकी तह में जाने की जरूरत नहीं है कि ताजमहल क्यों, किसने और किस उद्देश्य से बनाया। महत्वपूर्ण यह है कि ताजमहल भारत के मजदूरों और भारत माँ के सपूतों के खून पसीने की कमाई से बना हुआ है। वह एक पुरातात्विक इमारत है जिसका संरक्षण और संवर्धन जरूरी है। वह अपनी वास्तु के लिए विश्व विख्यात है। मतलब बात कुछ ऐसी लग रही है कि आप आगरा जाएं तो शाहजहां को नहीं, उन हजारों मजदूरों को याद करें जिन्होंने ताज को बनाया है। ताजमहल को देखने और समझने की एक नजर यह भी हो सकती है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार ताजमहल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इमारत है। हर रोज पूरी दुनिया से लगभग 12,000 लोग इसे देखने आते हैं। दूसरे नंबर पर आगरा का किला और तीसरे नंबर पर कुतुब मीनार का नाम शामिल है, जबकि चौथे नंबर पर लाल किला और हुमायूं का मकबरा कमाई के मामले में पांचवें नंबर पर आता है। इसके अलावा इसी साल केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने 20 मार्च को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि ताजमहल से सरकारी खजाने में तकरीबन 17,87,00,000 रुपए आते हैं, जबकि आगरा के किला से 13,42,00,000 रुपए आए हैं और कुतुब मीनार से 10,85,00,000 रुपए, लाल किला से 6,16,00,000 और हुमायूं के मकबरे से 6,07,00,000 रुपए की कमाई हुई है। हम आपको बता दें कि ये आंकड़े 2015 और 16 के हैं। और आप सोच रहे होंगे कि हमने अयोध्या पर तो बात ही नहीं की है। आप सोचिए, जब लोग ताजमहल जाते हैं तो शाहजहां याद आते हैं और अयोध्या जाते हैं तो श्री रामचंद्र जी का स्मरण हो ही जाता है। हजारों साल पहले से राजनीति के समीकरणों का साधने का एक रास्ता प्रतीकों से होकर जाता है। तो फ्रेंड्स, यह थी आगरा के ताजमहल से अयोध्या की रामलीला तक की बात। आप बने रहे YRY18 के साथ।